स्टूडेंट्स, आज हम और प्रैक्टिस कर रहे हैं, जीपी के मोर क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिया आज के लेक्चर में हमने, वैल्यू ऑफ समेशन के 1 से 11 है, 4 की पावर k, और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए, बताइए क्या आंसर हो सकता है। आपको 4 ऑप्शंस यहां पर गिवन है और जल्दी-जल्दी सॉल्व करें इसको। आप पहले सॉल्व करिएगा यार, है ना। अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में, देन फिर आप इसको समझेंगे। ठीक है, राइट। बस पहला काम क्या होना चाहिए कि आप लोगों को सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो किया सॉल्व, ट्राई किया। अब देखिए, अगर आपको नहीं आ रहा है तो इस समेशन का क्या मतलब होता है। समेशन का मतलब होता है सम करना है। ठीक है, जैसे यहां इन्होंने लिखा है समेशन k 1 से 11 4 की पावर k, इसका मतलब हम 1 बाय 1 k की वैल्यू रखेंगे 1 से लेकर के 11 तक। तो सबसे पहले हमने 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, और ये बन गई है जीपी, बन गई है जिसमें लास्ट नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है, 11 हो गई है, 11। क्लियर, तो ये जीपी बन गया। हमें इसका सम निकालना है। सम ऑफ n टर्म्स कितना होता है, सम ऑफ n टर्म्स a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, यही होता है सम ऑफ n टर्म्स इन एनी जीपी। अब इसमें फर्स्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 4, तो a हो गया 4। एंड व्हाट इज r, r कैसे पता चलता है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म डिवाइड कर लो, ये आपको बताएगी किस टर्म का मल्टीप्लाई हो रहा है, a ar ar square ar cube, है ना। तो ऐसे कौन सी टर्म का, r क्या है यहां पर, 4 में 4 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 स्क्वायर बनेगा। टेक्निक हम बोल सकते हैं यहां पर r इज आल्सो 4। एंड n की वैल्यू कितनी है, n है इसमें 11, तो ये तीनों वैल्यू रखती, सम ऑफ 11 टर्म्स आ जाएगा, a है 4, 4 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 4 माइनस 1, तो यहां से आ गया 4 की पावर 11 माइनस 1 अपॉन 3। देख लीजिए व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही है, तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, आ गया समझ में। और देख रहे हैं आज यार कई सारे क्वेश्चंस अपन को प्रैक्टिस करने हैं और प्रॉपर नोट्स आप बनाते चलेंगे, कहीं दिक्कत आए तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इफ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन एक्स एंड वाई इज जी, है ना, देन आपको क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विल बी, ये बतानी है। यहां पर 4 ऑप्शंस गिवन है, जी स्क्वायर, बी है 2 बाय जी स्क्वायर, सी है 1 अपॉन जी स्क्वायर एंड डी है 3 जी स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको यहां पर ऑप्शंस भी गिवन है। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं भाई, ऐसा बोला गया है कि जो 2 नंबर्स हैं एक्स एंड वाई, उनका ज्योमेट्रिक मीन है जी। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स है जी, तो हमने ऐसा कुछ लिख लिया एक्स वाई और ये इनका ज्योमेट्रिक मीन। तो ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स कैसे निकालते हैं हम, ठीक है, आपको क्या पता है क्या होता है फॉर्मूला, रूट के अंदर एक्स वाई, ये फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिक मीन का। अगर हम बोले कि जी है, यहां पर लिखा है ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू कितनी है, जी है, तो जी कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा यहां पर रूट एक्स वाई। यहां से निकालना चाहे तो जी स्क्वायर की वैल्यू आ गई एक्स वाई, जी स्क्वायर आ गया है एक्स वाई। ओके, अब क्या करें, और क्या हो सकता है यहां पर क्वेश्चन, और आगे पढ़िए, हमें इस टर्म की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड 1 अपॉन जी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो क्या किया जाए भाई, इसमें एक काम कर सकते हैं, जी स्क्वायर की जगह की जो वैल्यू आई है वो हम यहां पर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए रख देते हैं, जो जी स्क्वायर की वैल्यू है एक्स वाई, ये हमने यहां पर पुट की, 1 अपॉन एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है, कुछ कॉमन आ रहा है कि नहीं, यहां से आ रहा है एक्स कॉमन, ये बचेगा वाई माइनस एक्स, और यहां से आ रहा है वाई कॉमन, ये क्या बचेगा
x माइनस y। अब यहाँ y x माइनस y, यहाँ y माइनस x है, तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। इसमें से माइनस कॉमन लीजिए आप, तो ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन x x माइनस y एंड हियर प्लस वन अपॉन y x माइनस y। पूरे में से यहाँ पर x माइनस y कॉमन आ रहा है, वन अपॉन x माइनस y हमने कॉमन लिया, अंदर बचेगा माइनस वन अपॉन x वन अपॉन y। अब क्या हो सकता है, और कुछ एलसीएम आ रहा है, ठीक है सॉरी मल्टीप्लाई कर लीजिए इनको, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर बनेगा माइनस का y प्लस x अपॉन एक्स वाई। आप ध्यान से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है माइनस का y प्लस x, इसे हम लिख सकते हैं x माइनस y अपॉन एक्स वाई, तो ये टर्म कैंसिल हो गई। यहां से आंसर क्या मिल गया हमको, 1 अपॉन एक्स वाई में आंसर मिल गया, ठीक है। और हम एक्स वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स वाई आ गया आंसर, और एक्स वाई की जगह तो हमें पता है क्या लिख सकते हैं, जी स्क्वायर। व्हाट इज योर आंसर, 1 अपॉन जी स्क्वायर इज योर आंसर। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सी यहां पर सही है। आ रहा है समझ में क्या चल रहा है, ठीक है क्लियर, ओके तो ये रफ कर दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। दोनों क्वेश्चन बड़े अच्छे थे, इसमें भी थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है, सॉल्व करना पड़ता है, किस तरीके से सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है भाई। आपके क्वेश्चन डाउट्स नहीं आ रहे, मतलब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट लीजिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इफ ए ए प्लस वन ए प्लस थ्री आर इन जी पी, देन आपको पूछा गया कि देन बताइए ए की वैल्यू क्या है, जीरो है, टू है, थ्री है या फिर वन है, जल्दी से सॉल्व करके बता दें यार। ये क्वेश्चन आप ट्राई कर लीजिए, तब तक मैं यहाँ पर आपको फोर्थ क्वेश्चन भी लिख दे रहा हूं। इफ एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी आर इन जी पी, ऐसा बोला गया, ये जो नंबर्स हैं जी पी में है, देन आपको बताना है देन ए बी सी आर इन किस में होंगे, ये बताना है ए बी सी किस में होंगे, ए पी में होंगे, बी जी पी में होंगे, सी एच पी में होंगे। एच पी स्टार्ट करने वाले हम जल्द, ठीक है, क्योंकि हमारा जी पी जो है वो फिनिश हो गया है, अब एच पी स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर लास्ट है इसके, इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस का, अगले दिन से हम एच पी स्टार्ट करेंगे। तो ये हो गया है, ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन हो गया, थर्ड हो गया, ये है क्वेश्चन, है ना, आपको सॉल्व करना है इसको, ठीक है, जरा बताइए क्या होगा, कैसे सॉल्व होगा, कुछ समझ आ रहा है, क्या करेंगे। सबसे पहले थर्ड वाले क्वेश्चन में देखिए, इफ ए ए प्लस वन एंड ए प्लस थ्री आर इन जीपी, अगर थ्री नंबर जीपी में है तो जीपी का क्या फंडा है, जीपी का क्या फंडा है, जीपी का क्या रूल है, एफ ए बी सी आर इन जी पी, तो इसका मतलब होता है कि बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए सी होगा, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे, सिंस गिवन दैट ए ए प्लस वन एंड ए प्लस थ्री आर इन जी पी, आर इन जी पी, अगर ये थ्री नंबर जी पी में है तो क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब जो मिडिल वाली टर्म है, सेकेंड वाली टर्म है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, राइट सही चल रहे हैं, होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, ए स्क्वायर प्लस वन प्लस टू ए, यहाँ मल्टीप्लाई करिए ए स्क्वायर प्लस थ्री ए, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इस टू ए को इधर लेके गए तो ये आएगा थ्री ए माइनस टू ए, एंड थ्री ए माइनस टू ए क्या हो जाता है, ए हो जाता है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, ए आ गया है यहाँ से वन, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया है, क्लियर है, आ गया समझ में। अब ले लीजिए आप फोर्थ वाला क्वेश्चन, ठीक है, नोट करते चले यार, ये थोड़े से डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन कर रहे हैं आज हम, आप इनको प्रॉपर नोट जरूर बना लें इनके। अब आप समझ लीजिए फोर्थ वाला क्वेश्चन, फोर्थ क्या है, ऐसा कुछ दे रखा है, इफ एक्स की पावर ए एक्स की पावर बी एक्स की पावर सी आर इन जी पी, अभी तो किया हमने जो क्वेश्चन सॉल्व, उसमें भी ऐसा ही दे रखा था कि थ्री टर्म्स आर इन जी पी, क्या करते थे हम, बी स्क्वायर इज
टर्म है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू थर्ड टर्म, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं एबीसी में क्या रिलेशन आ रहा है। यहां पर क्या होगा, यहां पर आपको बता है कि a की पावर m की पावर n हो, यानी से लिख सकते हैं हम a की पावर mn, जब होल पावर हो, पावर ऑफ पावर में है, होल पावर है, तो ये पावर मल्टीप्लाई हो जाती है और ये बचेगा b into 2, बेस सिमिलर हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक है ना, रूल्स पता है कि नहीं भाई। ये आ गया x की पावर 2b is equal to x की पावर a plus c, यहां पर होगी कंपेयर ऑन कंपैरिजन, जब यहां बेस इक्वल है, ठीक है, इक्वालिटी का कांसेप्ट लगेगा, देन पावर आर आल्सो इक्वल, यहां से आएगा 2b is equal to a plus c, देन b आएगा यहां से निकल के a plus c by 2, ठीक है, या 2b is equal to a plus c। ये किस में होता था, ये होता था ap में, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, देयरफॉर abc आर इन ap। आपको एपी में सिखाया था कि इफ थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन एपी, व्हाट इट मीन, इट मीन ये होता है कि जो सेकंड वाली टर्म है उसका ट्वाइस फर्स्ट प्लस थर्ड टर्म के इक्वल होता है, या फिर बी यहां से आता है अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड सी, तो उसकी वैल्यू निकल के क्या आती है, बी की ए प्लस सी बाय टू, तो वही आ रहा है यहां पर, इसका मतलब ये हुआ एबीसी आर इन एपी, यानी यहां पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको, प्रॉपर नोट्स आपको बनाने हैं। चलिए अब लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला काम ये होना चाहिए कि आप लेक्चर को वहीं रोकिए, भले ही आपका जो लेक्चर है उसका टाइम, भले ही आपको ऐसा लगेगा कि काफी देर में लेक्चर हम पूरा अटेंड कर पाए, बट आप पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करें, और अगर आप कर पाए तो ये बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां आपको गिवन है सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट सिक्स टर्म्स ऑफ अ जीपी is 9, is 9 times the sum of first 3 terms, then common ratio will be, A option hai 5, B option hai 4, C ऑप्शन है 2 एंड D ऑप्शन है 1/2। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंटों को समझ में आ रहा है कि नहीं, क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन यहां पर दे रखा है कि सम दे रखा है आपको यहां पर, ठीक है, राइट, सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, फर्स्ट 6 टर्म्स का सम दे रखा है, प्रथम 6 पदों का आपको समेशन दे रखा है, कितना, 9 टाइम्स ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है, sum of 6 terms is 9 times of sum of 3 terms, 6 पदों का योग 3 पदों के योग का 9 गुना है, ठीक है। आपको बोला गया कि कॉमन रेशियो निकालिए, सार्वानुपात निकालिए, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सार्वानुपात निकालिए, कॉमन रेशियो निकालिए, ऑलराइट। तो जीपी है, पहली चीज यहां देखनी चाहिए आपको, जीपी है तो एसएन कितना होता है जीपी में, ए आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन R minus 1, this is the formula for sum of n terms, अगर आपको S6 निकालना है, तो हम इसी formula में n की जगह पर 6 रख देंगे, okay, S3 निकालना है, तो क्या करेंगे हम इसी formula में n की जगह पर 3 रख देंगे, A, R की power 3 minus 1 upon R minus 1, यदि R minus 1 से R minus 1 तो cancel हो गया, a से a भी कैंसिल हो गया, तो r की पावर 6 माइनस 1 कितना आ गया, r की पावर 3 माइनस 1 आ गया। अब ये जो r की पावर 6 माइनस 1 दिख रहा है आपको, इसको हम लिख सकते हैं r की पावर 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा, पहली चीज तो ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने नहीं चाहिए, क्योंकि यहां क्यों लिखा है आपको दिख ही रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी यहां पर लग जाएगी, क्या होती है, a माइनस b a प्लस b, लगा दीजिए आ जाएगा r cube minus 1 and r cube plus 1 is equal to r cube minus 1, तो ये cancel हो गए, यह
यहां से आर क्यूब प्लस वन कितना आ जाएगा, आर क्यूब प्लस वन वन आएगा, ठीक है, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ नाइन था, ओके ओके, यहाँ नाइन था तो नाइन नाइन को लिखना भूल गए, तो ये कितना आ जाएगा, नाइन आ जाएगा, ठीक है। यहां से आर क्यूब आएगा नाइन माइनस वन, नाइन माइनस वन कितना होता है, एट होता है, यहां से आ जाएगा एट की पावर, एट को हम क्या लिख सकते हैं, एट को लिख सकते हैं हम टू का क्यूब, टू का क्यूब, थ्री से थ्री कैंसिल, तो आर आ गया है टू, ये आ गई है आर की वैल्यू टू, तो विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सेकेंड यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर, सॉरी थर्ड, थर्ड ऑप्शन आपका सही है यहां पर। तो ये था क्वेश्चन, है ना, आ गया समझ में सभी को, चलिए मजे के साथ पढ़िए, मस्ती के साथ पढ़िए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए यार, आज आपके डाउट्स जो है आ जाने चाहिए सारे, मैं सोच रहा हूँ कि उनमें अगर कुछ अच्छे क्वेश्चंस लगेंगे तो वो लेक्चर बना करके आपको डाउट्स आपके सारे क्लियर कर दिए जाएंगे, और ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन होंगे तो आपको वहीं पर रिप्लाई मिल जाएंगे ग्रुप में। अभी थोड़ा एक दो दिन से मैं ज्यादा बिजी चल रहा था तो आपको शायद आपके होमवर्क वगैरह चेक नहीं कर पाया मैं, और उसके अलावा आपके डाउट्स भी रिप्लाई हो सकता ना कर पाया हूँ, बट आज से आपको आपके डाउट्स के भी रिप्लाई मिल जाएंगे, और दूसरा आप जो क्वेश्चन भेजेंगे वो चेक किए जाएंगे, ठीक है, होमवर्क भी चेक किया जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, इफ फाइव ज्योमेट्रिक मीन आर इंसर्टेड बिटवीन 3 and 192, देन कॉमन रेशियो इज, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी है -2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी इज, ऑप्शन डी कितना है 4, ठीक है, इसको ले लेते हैं अपन 6 ले लेते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन है, और ये यार आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क मतलब ये है कि देखना है आज ये लेक्चर अटेंड करने के कितने जल्दी बाद आप मुझे ये व्हाट्सएप पे रिप्लाई करते हैं, देखना ये है, ठीक है, तो रिप्लाई चाहिए एज सून एज पॉसिबल, देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आ रहा है, आर की वैल्यू क्या आ रही है, और कुछ स्टूडेंट चाहे तो अभी सॉल्व कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, ठीक है, रिप्लाई सेंड कर सकते हैं, तो देखते हैं आज किसका आंसर सबसे फर्स्ट यहाँ पर आएगा, और सभी का आंसर आना चाहिए यार इस क्वेश्चन का, होमवर्क लिख लीजिए इसको, ठीक है, आज ही सॉल्व करके आपको भेजना है। इसके अलावा जो डाउट्स वगैरह हैं, जो डीपीएस आपने सॉल्व किए होंगे उनमें जो डाउट्स आएंगे वो भी आपको भेजने हैं। डाउट्स क्यों नहीं को आते हैं, जो लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है 2/3, 3/3 का स्क्वायर, इसमें आपको एक चांस दिया जाएगा, ये आप सॉल्व करिए, ट्राई करिए, ये क्वेश्चन आप कर पा रहे भी नहीं, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6 प्लस ऑन अप टू इनफाइनाइट, ये समेशन फाइंड करना है, 2/3, बी आएगा 1/3 एंड सी आएगा 9/8 एंड डी इज 8/9। एक बार देख लीजिए क्वेश्चन, और ये आपको सॉल्व करना है इसको, तो समझ आ रहा है क्या, बताइए कुछ समझ आ रहा है क्या इसमें, यार कोई सीरीज ही बनते नजर नहीं आ रही, यहाँ 2 है या 3 है, फिर 2 है 3 है, ठीक है, ऊपर तो नहीं बनते नजर आ रहे, पर एक चीज यहाँ नजर आ रही कि 2-2 वाली टर्म्स को हम एक साथ लिख लें तो 2 कॉमन आ जाएगा, एंड 3-3 वाली टर्म्स को एक साथ लिख लें तो 3 कॉमन आ जाएगा, तो 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का क्यूब, 3/3 की पावर 4, 2/3 की पावर 5, 3/3 की पावर 6 एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, हमने जिनमें ऊपर 2 था, ठीक है, जिनमें ऊपर 2 था वो टर्म्स हमने लिखी है अलग से, ओके, कहां तक है, ये भी इनफाइनाइट टर्म्स है, ओके, प्लस अब वो टर्म्स लिख रहे हैं जिनमें ऊपर 3 है, न्यूमरेटर में 3 है, 3/3 का स्क्वायर, 3/3 की पावर 4, 3/3 की पावर 6 और प्लस सोन, कहां तक, अप टू इनफाइनाइट टर्म्स, अब
देखिए ऊपर क्या है, टर्म्स क्या है, जीपी होनी चाहिए, इनफाइनाइट टर्म्स तक सीरीज होनी चाहिए, एस इनफाइनाइट हमेशा क्या होता है, ए अपॉन वन माइनस आर, तो यहाँ भी यही लगेगा और यहाँ भी यही लगेगा। बट इसमें बताइए ए कितना है, ए है इसमें 2/3 और आर कितना है, आर है 1/3 का स्क्वायर। आप निकालना सीख गए होगे यार, आर तो निकालना आ गया होगा आपको, ए तो निकालना सभी को आपका फर्स्ट टर्म होती है, ए आर कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में हम फर्स्ट टर्म का डिवाइड कर देंगे तो आर आ जाएगा यहाँ से, 3 का क्यूब है तो यहाँ 3 है तो ऑब्वियसली 1/3 का स्क्वायर यहाँ पर होगा आर की वैल्यू, और इस वाले केस में ए है 3/3 का स्क्वायर एंड आर क्या है, आर तो आर है इसमें, आर है 1/3 का स्क्वायर, दोनों में आर इक्वल ही है, सिमिलर ही है, यहाँ 3 और यहाँ 1/3 5 है या 2/4/6 है, मतलब r की वैल्यू तो क्या है इक्वल है दोनों जगह। लगा दीजिए इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा ये a अपॉन 1 माइनस r, तो a है 2/3, 1 माइनस r कितना हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर। यहां भी लगा दीजिए फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस r, तो ये हो गया है, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर रफ कर रहे हैं। ये हमने फॉर्मूला लगा दिया और यहां तक आ गए हम, ठीक है, इसके आगे समझिए ये 2/3 ओके एंड ये कितना आ जाएगा 1 - 1/9 प्लस यहां है 3/3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/1 - 1/9 2/3 ये आएगा, एलसीएम लेंगे तो 9 - 1 यहां भी एलसीएम लेंगे तो 9 - 1/9 और क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिखेंगे 8/9, इसको क्या लिखेंगे, इसको भी लिखेंगे हम 8/9, ठीक है, यहां तक तो आ रहा होगा समझ में ना। अब क्या होता है रूल आपको बताओ, ये जो टर्म है फोर्थ टर्म पलट जाती है ना, तो 2/3 जो ये टर्म्स हैं ये पलट के मल्टीप्लाई में आ जाती है 9/8, अगर ऐसा लिखा हो a/b c/d तो इसे हम लिख सकते हैं a/b (d/c), ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर काम कर रही है, दोनों जगह ही अप्लाई कर देंगे, प्लस सेकंड वाले में क्या होगा 3/9 * 8/9 ना होकर भी क्या हो जाएगा 9/8 हो जाएगा, ये 9 से 9 तो पूरा कैंसिल हो गया, 3 * 3 = 9 तो ये आ गया 2 * 3/8 एंड 3/8 6/8 3/8 8 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बचेगा 6 + 3 तो आंसर आ गया आपका 9/8। विच ऑप्शन इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सी यहां पर सही है, आंसर क्या आया हमारा 9/8, ठीक है, समझ आया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था यार, इस पे स्टार जरूर लगा देना, अच्छे क्वेश्चन था, लोगों को समझ ही नहीं आता इसमें जीपी बन रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि नंबर्स यहाँ पर डिफरेंट थे, पहले हमें उसमें सेम को एक साइड लिखना था उसके बाद ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, इस पे भी स्टार लगा लें, आपको फाइंड करना है, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3/3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, ये शायद पहला क्वेश्चन कर रहे होंगे इस टाइप का, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है, आपको इसमें क्या फाइंड करना है, ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन आपको फाइंड करना है पूरी टर्म्स का। तो पहले तो आप नोट लिख लीजिए, नोट बना लीजिए, नोट करके लिख लीजिए, मोस्ट टाइम की है, ठीक है, अगर हमें टू टर्म्स के बीच में ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होता है, ये तो हमको अच्छे से पता है क्या होता है, ये होता है रूट ए बी, होता है कि नहीं, होता है रूट ए बी, और रूट ए बी को आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं ए बी की पावर 1/2, ये होता है, ठीक है, एंड अगर थ्री नंबर्स के बीच में आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, ए बी सी आर थ्री नंबर एंड फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी सी, तो पता है क्या आएगा, तो आएगा ए बी सी की होल पावर 1/3, ठीक है, ये ज्योमेट्रिक मीन आएगा, अगर यहाँ नंबर्स हम कर दें ए बी
एन है, ठीक है? नहीं आप बोलोगे सर ए बी सी डी एन तक है क्या? नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर क्या है, अप टू एन टर्म्स यहाँ लिख दे रहे हैं, अप टू एन टर्म्स। एन यहाँ पर क्या शो कर रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स है। तो ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, ए बी सी डी एंड सो ऑन इनटू वन बाय एन, ये आएगा ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है? तो इस तरीके से अपन को यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, ये फॉर्मूला मिल गया हमको, कॉन्सेप्ट मिल गया। ऐसे एपी में देख लीजिए, एपी में क्या होगा, अगर टू टर्म्स हैं ए एंड बी, इनके बीच में अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो क्या आएगा, ए प्लस बी बाय टू। अगर थ्री हो जाएंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी बाय थ्री। फोर हो जाएंगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फोर। एन हो जाएंगे तो आप समझ गए। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको लिखना है, समझना है, और अब देखिए यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं, मतलब आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है। किसका निकालना है, ये सारी टर्म्स का ज्योमेट्रिक मीन। तो आपको क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? और होल पावर क्या आएगी, वन अपॉन एन आएगी, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, होल पावर कितनी आएगी इसकी, वन अपॉन एन आएगी, ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा ये। अब बेस सिमिलर है तो पावर एड हो जाती है, आपको बार बार बताया गया है, अगर बेस सिमिलर है तो पावर जो है वहां पर एक ही वैल्यू एक ही बेस में लिख दी जाएंगी और ऐड कर दी जाएंगी। यहां देखिए थ्री सिमिलर था, प्रोडक्ट में था, तो पावर ऐड हो जाएंगी, वन टू थ्री एंड सो ऑन एन, होल पावर तो चली रही है वन बाय एन। जरा आप देखिए ये समेशन एन बन गया कि नहीं, ये हो गया समेशन एन। समेशन एन समझते हो कि नहीं, यहां यार लिखते चलो, समेशन एन होता है एन एन प्लस वन बाय टू, समेशन एन होता है वन टू थ्री फोर एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स, ठीक है, अप टू एन। तो ये समेशन एन होता है और इसकी वैल्यू क्या होती है, एन एन प्लस वन बाय टू। तो यहाँ आएगा एन एन प्लस वन बाय टू, ऊपर कितना चल रहा है, होल पावर वन बाय एन। होल पावर जो होती है, होल पावर वो प्रोडक्ट में आ जाती है, एन इंटू वन बाय एन अगर होल पावर है तो। ये एन से ये वाला एन कैंसिल, तो यहां से क्या बचेगा, थ्री की पावर एन प्लस वन बाय टू। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी हमें यहां से ही नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, क्या है, थ्री की पावर एन प्लस वन बाय टू, दिस इज योर आंसर हियर, नोट कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा था। नेक्स्ट ले रहे हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, अगेन एक और क्वेश्चन हमने बहुत अच्छा लिया है, समझिएगा। टू इंटू फोर, फोर इंटू सिक्स, सिक्स इंटू एट प्लस सो ऑन, है फाइंड 20th टर्म, T20 पूछा है इसमें, ठीक है? आपसे पूछा गया 20th टर्म बताइए क्या होगा, ऑप्शंस की बने 1600, 1680, C 420, D 840। तो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्वेश्चन इज वेरी इजी बट डिफिकल्टी यहां क्या है, डिफिकल्टी है कि हमें नहीं नजर आ रहा है कि यहां पर कौन सी प्रोग्रेशन है। कई बार क्या है, सिमिलरिटीज देखनी होती है आपको, ठीक है, प्रोग्रेशन नहीं देखनी होती है, यहाँ पर कोई प्रोग्रेशन नहीं बन रही, टू फोर फोर सिक्स सिक्स एट प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो ना जीपी बन रही ना एपी बन रही है। आपको यहाँ देखना है सिमिलरिटी, पहली टर्म कितनी है, टू है, ठीक है, टू। अगर मैं एन की जगह वन रखूं तो टू कब आएगा भाई, सिंपल सी बात, जब टू एन रहेगा, आप एन की जगह वन रखेंगे तो क्या आएगा, टू आएगा, ओके। तो ये वाला जो टू है, फिर फोर है, फिर सिक्स है, ये दिखा रहा है कि उसका एंथ टर्म क्या आएगा, टू एन आएगा, मल्टीपल ऑफ टू आएगा भाई, टू फोर सिक्स। अब इसमें आप एन की जगह वन रखेंगे तो टू आएगा, एन की जगह टू रखेंगे तो फोर आएगा, एन की जगह थ्री रखेंगे तो सिक्स आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, टू एन आएगा। तो लास्ट टर्म निकाल रहे हैं हम, एंथ टर्म निकाल रहे हैं, तो एंथ टर्म मैंने आपको बता दिया कि जो पहली वाली टर्म दिख रही है
उसके बेसिस पर हमें सीक्वेंस नजर आ रही है और लास्ट में सिमिलरिटी दिख रही है हमें, ये 2n बनेगा, ठीक है ओके। अब यहां बताइए यहां क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आएगा 2n प्लस 2। क्यों आएगा 2n प्लस 2, क्योंकि देखिए ये जो टर्म है इससे 2 ज्यादा है, आप कहीं भी देख लीजिए, ये जो टर्म है उससे 2 ज्यादा है, तो यहां 2n है, तो यहां क्या आएगा 2n प्लस 2 आएगा, क्योंकि पास वाली टर्म से 2 ज्यादा है। अब आपको क्रॉस चेक करना है तो आप इसमें एक काम करिए, 1 रखिए तो आपको पहली टर्म मिल जाएगी, 2 रखेंगे इसमें तो सेकंड टर्म मिल जाएगी, 3 रखेंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। आपको 20th टर्म निकालना है, 20वां पद निकालना है, तो आपका काम क्या है इसमें, n की जगह आप 20 रख देंगे, 20 वुड बी 2 into 20 plus 2, तो ये आ गया 40, और ये आ गया 40 plus 2, कितना हो जाएगा ये 40 into 42 मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 और 16 0, तो आंसर आ गया 1680, ऑप्शन नंबर बी यहां पर करेक्ट है, ठीक है। तो ये था अपना ये वाला क्वेश्चन।